व्हाट्स अप एवरीवन, आज आपके लिए सब आज हम लेके आए ब्रेजा, मारुति सुजुकी ब्रेजा। इसी के बारे में आज कंप्लीट रिव्यू के बारे में बात करेंगे, ओवरव्यू, जैसे इसका एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ दिखाऊंगा मैं गाड़ी का। वीडियो स्टार्ट करने से प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल का बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट की जिसकी लुक है, फ्रंट की चेक कर सकते हैं सारी कितनी कम्प्लीटली अच्छी लुक दी गई थी। ये ओल्डन वर्जन है, आपको दिखाते हैं इसके फ्रंट में आते तो आपको यहाँ पे ये ZDA वर्जन है, गाड़ी का ZDA वर्जन। एक इसके ऊपर आता है ZDA प्लस, ये सेकंड टॉप मॉडल है। इसके फ्रंट में आते तो यहाँ पे आपको क्रोम में इसकी ग्रिल मिलती है, क्रोम में लोगो देखने को मिलता है। इस साइड आते तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर DRLs हैं, ये नीचे ये DRL जीम है, यहाँ तो प्रोजेक्टर इसके हैलोजन प्रोजेक्टर जीम है। इसके नीचे आते हैं तो बम्पर के इसके नीचे यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में दी गई है। इसके नीचे जो फोग लैंप्स हैं वो भी राउंड शेप के दिए हुए, कम्प्लीटली राउंड शेप के फोग लैंप्स दिए हुए। इधर आते हैं तो फ्रंट में आपको नंबर प्लेट की प्लेसिंग वगैरह मिल जाती है और कुछ भी नहीं, गाड़ी बिल्कुल एक कंपनी से स्टॉक गाड़ी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा हुआ इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल स्टॉक कार है। इस साइड आते हैं तो गाड़ी के यहाँ पर आपको DDI डीजल वर्जन, यहाँ पर DDI एस का लोगो मिलता है, यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं और जो इसके वो हैं ORVMs, यहाँ पर कोई भी आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, कंप्लीट बंद है, मतलब कुछ भी नहीं, बस बॉडी कलर के हैं। इधर टायर साइज की बात करते हैं, यहाँ पर जो इसके अंदर आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिले हैं, कंप्लीट ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं। ये गाड़ी का जो बाद में आया था, पहले ग्रे आते थे उसके बाद ब्लैक अलॉय व्हील्स आते हैं। जो टायर साइज है कंपनी का वो है 215/60R16, मतलब 215/60 वॉल और 16 इंच के टायर दिए गए। C8 कंपनी का टायर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, C8 कंपनी का टायर है। इधर आते तो यहाँ पर आपको नॉर्मली हैंडल्स मिलते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नॉर्मली है सब कुछ, यहाँ पर कुछ भी आपको वो नहीं मिलता। इसकी जो की है की भी सिंपल दी है, जो नॉर्मली VDI मॉडल में आती है, इसकी आप चेक कर सकते हैं, VDI मॉडल वाली की ही दी हुई है। जो पिछले टायर साइज है, मतलब रियर टायर साइज है, वो भी कंपनी का सेम ही दी है, कुछ भी चेंज नहीं, मतलब वो भी स्टॉक ही है, मतलब जो फ्रंट में ऐसे पिछले ही है 215/60। बैक साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है बैक साइड, इसकी कंप्लीट बैक साइड दिखाता हूँ। बैक साइड में आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं ZDA वर्जन है, तो यहाँ पर आपको रियर वाइपर देखने को मिलता है, रियर डिफोगर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट्स दी गई है कंपनी, यहाँ पर रियर जो इसका शावर होता है वो दिया हुआ है। इसकी अगर टेल लाइट की बात करता हूँ, टेल लाइट जो इसकी LED टेल लाइट्स है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट है और यहाँ पर रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट है। ये आपको अभी मैं जला के दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हम इसकी वो ऑन करते हैं, सिंपल लाइट्स ऑन करते हैं, यहाँ पे ऑन होती है इसके, यहाँ पर ये इंडिकेटर की प्लेसमेंट और यहाँ पर रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट करी गई है। इधर आते तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रेजा की, इधर आते तो आपको यहाँ पर ब्रेजा की वो देखते हैं, बैजिंग देखने को मिलते हैं, टायर ब्रेजा कम्प्लीटली क्रोम में दी गई है, भी ZDA मॉडल है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो, इधर आपको मारुति सुजुकी की बैजिंग देखने को मिलती है। बैक साइड आते हैं गाड़ी के, यहाँ पर आपको रियर डिफ्यूजर देखने को मिलते हैं कंपनी तरफ से, यहाँ पर आपको जो इसके सेंसर देखने को मिलते हैं, सेंसर बॉडी कलर ही दी गए हैं, सारे कंप्लीटली बॉडी कलर ही सेंसर हैं, ये देख लीजिए। इस तरह आते हैं, मतलब अगर इसके रूफ की बात करते हो, रूफ में आपको चेक करते हैं, रूफ में आपको यहाँ पर रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं कंपनी तरफ से, और इसके जो एंटीना है वो फ्रंट की तरफ लगा हुआ है, मतलब फ्रंट की तरफ, ना कोई बैक में, मतलब इसके फ्रंट में सिंपल जो एंटीना था वो लगा हुआ है। अब चलते गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हो, गाड़ी के इंटीरियर जो है बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैक दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, मतलब कस्टमर सारा ब्लैक इंटीरियर है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, इधर ही आपको यहाँ पर एक ग्लोव बॉक्स टाइप दिया हुआ है, कुछ भी आप सामान रख सकते हैं, यहाँ पर किसी का सामान पड़ा है जिनकी कार है। इसके नीचे आते हैं आपको यहाँ पर नॉर्मली ग्लोव बॉक्स भी मिलते हैं यहाँ भी। अगर बीच एंटरटेनमेंट सिस्टम की बात करता हूँ, यहाँ पर कम्प्लीटली ब्लैक दिया हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल एंटरटेनमेंट है, कोई भी टच स्क्रीन नहीं दिया हुआ है, कम्प्लीट नॉर्मल है बिल्कुल। यहाँ पर इसके नीचे आते हैं AC कंट्रोल सारे दिए हुए हैं, यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिक AC दिखते हैं, यहाँ पर मतलब ऑटोमेटिक एयर कंट्रोल होता है, और ऑटोमेटिक AC नहीं होता है, ऑटोमेटिक एयर कंट्रोल होते हैं। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको USB और AUX का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इधर USB चार्जर लगाने का ऑप्शन मिलता है, मतलब चार्जर का ऑप्शन है, 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है। इधर डोर के साइड में आते हैं, यहाँ पर आपको नॉर्मली डोर के साइड में, यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है जो कंपनी तरफ आता है इनबिल्ट, और इसके जो डोर हैंडल्स है यहाँ पर आपको कुछ सिल्वर की फिनिशिंग दी है, और जिसके हैंडल्स है वो क्रोम फिनिश में है, देख सकते हैं। इधर नीचे आपको नॉर्मल स्पेस है कोई भी बोटल्स वगैरह रखने के लिए। गाड़ी की मिडल पैनल की बात करते हैं, मिडल पैनल में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी सी गाड़ी गंदी है, प्लीज माइंड ना करना, यहाँ पर आपको जो बीच में देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इसका हैंड ब्रेक लीवर देखने को मिलता है, इधर आपको दो बोटल स्टैंड्स भी हैं,
दो फोटो स्टैंड दिए हुए कंपनी तरफ से यहाँ पर, और इधर आपको भी एक खाली एम्प्टी स्पेस दिया, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी जो आपको कोई आइटम रखनी हो। अगर गाड़ी के मीटर की बात करते हैं, यहाँ पर मीटर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको राइट साइड आपका जिसका आपको स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट साइड पर इसका आपको आरपीएम मीटर देखने को मिलता है। इधर एवरेज की बात करते हैं, एवरेज आप क्लियरली देख सकते हैं, एवरेज इसके मिलता है 17.8 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलती है। गाड़ी को सिर्फ एक से डेढ़ साल हुआ, लेकिन गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, जिनकी भी है उन्होंने 87,000 चला चुके हैं गाड़ी सिर्फ 1.5 ईयर में। ज़्यादा इतनी ज़्यादा ड्राइव करते हैं कार, मतलब इनकी रेगुलर चलती है। और गाड़ी की मेंटेनेंस की बात करता हूँ, तो गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो नॉर्मली है, मतलब 6-7,000 रुपीज़ में इसकी सर्विस होती है। अगर स्टेयरिंग कंट्रोल्स की बात करते हैं, स्टेयरिंग कंट्रोल्स जो यहाँ पर आपको म्यूट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर मोड का, यहाँ पर ट्रैक चेंज अप डाउन, और यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलते हैं सारे। इस साइड आते आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, या कॉल कट और कॉल पिक का भी ऑप्शन मिलता है। इधर आते हैं तो आपको यहाँ पर आपको देखते हैं सारे प्लास्टिक का ही दिया है, मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सारा प्लास्टिक की फिनिशिंग में दिया है। इधर आपको पियानो फिनिशिंग में इसके जो एयर वेंट्स हैं वो दिए हैं पियानो फिनिश में। इधर आते तो यहाँ पर आपको सारे साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए हैं, और यहाँ पर हेडलाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हेडलाइट और यहाँ पर सारे कंट्रोल्स दिए हैं। अगर डोर पर आता हूँ तो यहाँ पर एक नॉर्मल स्पीकर है, और यहाँ पर आपको जो उधर दिखाया था, मतलब आपने मैंने पैसेंजर डोर पर दिखाया था उसी की तरह यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको अनलॉक लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर विंडो लॉक्स करने का ऑप्शन मिलता है जो पावर विंडोज होती हैं, और चारों विंडोज के कंट्रोल मिलते हैं पावर विंडोज के। यहाँ पर आपको ट्विटर का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों डोर में ट्विटर फ्रंट में दिए हुए इसके। ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर एक नॉर्मली ये दिया हुआ है, और इधर आते तो आपको यहाँ पर रीडिंग लाइट दिए हुए कंपनी तरफ से दोनों तरफ येलो दिए हुए यहाँ पर, यहाँ पर, और इसके बीच में आपको सनग्लासेस होल्डर भी दिए हुए हैं। पैसेंजर साइड की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको वैनिटी मिरर दिया हुआ है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी लाइट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप प्रेस करते हैं तो लाइट्स हो जाती है, यहाँ पर ऑफ होती है पैसेंजर सीट्स के लिए। अब बैक की बात करते हैं, बैक साइड में चलते हैं इसकी। बैक साइड की बात करते हैं, गाड़ी की सीट बिल्कुल पीछे आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी के बिल्कुल बैक साइड पे खड़ा हूँ, और लेग स्पेस कितना अच्छा दिया है गाड़ी में बिल्कुल कम्प्लीटली। बैक डोर की बात करते हैं, बैक डोर पे यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलता है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो इसकी गाड़ी है, यहाँ पर आपको हर हैंडल डोर पे यहाँ पर सिल्वर की फिनिशिंग, और इसके जो हैंडल है क्रोम फिनिश मिलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिया यहाँ पर, बस एक नॉर्मली रीडिंग लाइट दी है एक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं है। अगर और बैक साइड की बात करता हूँ, बैक साइड पर आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ट्रे मिली हुई है, जैसे कुछ भी आप रखते हो, मतलब आपके जो भी हुड, मतलब आपकी डिक्की के अंदर बूट स्पेस के अंदर जो भी सामान पड़ा उसके अंदर सारा कवर रहे, वो दिए हुए इसके अंदर जो आपके ट्रे, यहाँ पर इसके सनशेड वगैरह रखे हुए कार के। एक बार बूट पे बूट की बात करते हैं, इस गाड़ी की बूट पे बूट की बूट स्पेस की बात करते हैं, यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है जिनकी कार उनका, मतलब बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसके बहुत बूट स्पेस अच्छा खासा दिया गया, लेकिन अगर इसकी सीट फोल्ड कर देते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सीट फोल्ड करने का ऑप्शन दिया गया, अगर सीट्स की सीट फोल्ड कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाता। आप सभी को मैंने गाड़ी का इसी गाड़ी का सब कुछ कंप्लीट रिव्यू बता दिया, इंटीरियर एक्सटीरियर सर्विस के बारे में, सर्विस चार्ज इसकी जितनी एवरेज देख के सब कुछ बता दिया, आप सभी ने देख ही लगा। अगर आपने आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जरूर शेयर से ज़्यादा कर दे।